गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट वाली थी वो चैप्टर शुरू कर लिया। अब उसमें हमने थोड़े जॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि नॉन फ्लेक्सिबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब उसमें आगे हम जाएंगे द फ्रेम ऑफ स्केलेटन कॉल्ड स्केलेटन। हाउ डज वी नो दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डज वी नो दैट द शेप ऑफ डिफरेंट बोन इज अ बॉडी? वी कैन सम आइडिया अबाउट द शेप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स इन सम आउट ऑफ द बॉडी By the feeling them. One of ways we could know this shape better would be X-ray ray and imagine the human body. Did you anyone in your family ever have an X-ray? Any part of your body taken sometimes when we are hurt? To have an accident, doctor use X-ray image to buy possible injuries might be happen in a bone. An X-ray shows the shape of bone our body, feels the bones and foreheads and upper arms and the leg upper arm. Try find out the number of bone of each. Similar to feel and bone in your ankle and knees and compare to the X-ray images. Okay. फर्स्ट, तुम लोगों ने कभी भी एक्सरे निकाला होगा तो उसमें देखा होगा कि जब कभी एक्सीडेंट के कुछ होता है तब हमें बोन का एक्सरे कराते हैं। बोन के शेप सारे एक्सरे में दिखते हैं एंड इवन अगर कहीं क्रैक हुई या बोन टूट गया या इंजर्ड हो गया है तो हमें उसमें देखेंगे। अब तुम लोग हमारा बोन का शेप और तुम लोग छू के देखोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि दैट इज बीन सेम। तो आपको बोन का स्केलेटन का शेप पूरा का पूरा आपके एक्सरे में मिल जाता है। बैंड योर फिंगर आर देन एबल टू बैंड एवरी जॉइंट। जो तुम लोगों की जॉइंट्स है वो सारी की सारी बॉन्ड हो रही है। फील द योर पाम एंड बॉन्ड्स इन दिस विज फ्लेक्सीबल एंड कैपेबल कॉल कार्पल्स। जो ये सारी की सारी फ्लेक्सीबल है और उन सारे बॉन्ड्स को कार्पल्स कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विल हैपन इफ इन ओनली वन बॉन्ड्स। टेक द डीप ब्रेथ एंड होल्ड योर लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन इन अ बोन जनरेसी एंड टाइम कॉन्ट एनी रिब्स। अब रिब्स के बारे में तो तुम लोगों को पता है, रिब केज के बारे में कि पूल जो हमारी 12 रिब्स है और उसके अंदर एक वन ऑफ मिड रिब्स पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड है वो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने देखा था। एज पॉसिबल ऑब्जर्व केयरफुली टू कंपेयर विथ यू फील द चेस्ट बोन्स एंड इट इज रिब इज कर्लसली बेंड। दिस जॉइंट इज चेस्ट बोन आर बैक बोन टूगेदर फॉर्म द कॉल रिब केज। जो हमारा बैक बोन है और ये सारी रिब्स है वो सब कुछ साथ में मिलकर रिब केज बनाते हैं। द अदर 12 रिब्स आर ईच साइड ऑफ चेस्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी लाई प्रोडक्ट इन साइड द केज। हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है वो इस केज के अंदर है, जैसे कि हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है वो इसमें है। आज सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। हमें नीज बैंड नहीं करना है पर हमें टच करना है। फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर एंड बैकबोन ऑफ योर फ्रेंड। दिस इज फिल बैकबोन। इट इज मेड ऑफ द मैनी स्मॉल बोन वर्टेबल्स। वर्टेबीज मीन्स के जो हमारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो उसे कहते हैं वर्टेबीज। दिस बैकबोन कंसिस्ट 33 वर्टेबीज एंड द रिब केज इज जॉइंट इन बोन। इफ बैकबोन वॉज मेड अप फॉर ओनली वन लॉन्ग बोन विल बी फ्रेंड इज एबल टू बेंड। अगर जो ये सारी चीजें वर्टेबीज छोटे छोटे से नहीं बनी होगी और पूरा एक ही बोन होगा तो वो कभी मुड़ेगा नहीं, तुम लोग कभी नीचे झुक पाओगे नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टेट विद द बोथ हैंड पॉसिबल टू वॉल एंड आस्क टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस? अब तुम लोग जो पुश करोगे नोटिस करोगे तो तुम्हारे जो शोल्डर के बोन है उनके बारे में बताया जाए। दिस कॉल शोल्डर बोन। तुम लोगों के शोल्डर बोन्स है। ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर इज पेल्विस बोन। जो हमारी पेल्विस बोन है, पेल्विक बोन है वो यहाँ है। हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में जो बोन होता है जो हमारे हिप के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड पेल्विक बोन। दे एंकर द पोर्शन ऑफ बॉडी बिलो द स्टमक एंड दिस पार्ट ऑफ ऑन अ सीट। जहाँ पे हम बैठते उठते हैं वो सारे पेल्विक बोन्स होते हैं। देखो यहाँ पे उसका एक फोटो दिया गया है, जो यहाँ पे दो बड़े बड़े ये दिख रहे हैं वो हमारे पेल्विक बोन है। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन जॉइंट टुगेदर। हमारा जो स्कल है जो हम खोपड़ी कहते हैं वो बहुत सारे जॉइंट से बना है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ब्रेन। ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि ब्रेन है वो पूरा स्केलेटन से ही, जो उसका हमारा स्कल है उससे ही पूरा प्रोटेक्टेड होता है हमारा ब्रेन है। वी डिस्कस मैनी बोन एंड जॉइंट आर स्केलेटन। दिस इज आर, ये स्कल है। Some additional part of skeleton that is not as hard of bone and which called they are cartilage। जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बोन जैसी नहीं है, थोड़ी बोन
की तरह नहीं है, स्किन की तरह है, एकदम क्या कहते हैं, विच बेंड कर सकती है, बोन की तरह नहीं होती, वो कर्टिलेजेस है। कर्टिलेजेस मीन्स फिल योर ईयर एंड फाइंड द हार्ड बोन पार्ट ऑफ दिस बैंड एंड दिस इज नॉट एनी बोन्स। जो तुम लोगों को ईयर में दिखेंगे तो कोई भी बोन नहीं दिखेंगे, तुम लोग उसे मोड़ सकते हो अपने ईयर्स को और कोई भी बोन दिखेगा नहीं। दिस डू नॉट सीन एनी बोन्स हियर इज इज डू यू नोटिस दैट डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब्स एंड द पोर्शन ऑफ द एज प्रेस ऑफ द, जो तुम लोग का ईयर लॉब्स है, जो यहाँ पे नीचे का पार्ट है वो एकदम एकदम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ऊपर का पार्ट है थोड़ा कड़क है, तो दैट इज कॉल्ड यू फील द समथिंग इज अपर पार्ट ऑफ द ईयर इज लॉब बट नॉट इज हार्ड बोन इज इंट इट, इट इज कर्टिलेज। कर्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन अ जॉइंट इन अ बॉडी, हमारे सारे जॉइंट है उसके अंदर भी थोड़ा कर्टिलेज है। दे यूज एज अ लिब्रिकेंट, जो हमारे दो जॉइंट घिसे नहीं इसीलिए उसमें कर्टिलेज होता है। सो वी हैज बीन सीन अवर स्केलेटन इन मेड ऑफ द मैनी बोन्स जॉइंट एंड कर्टिलेज, बहुत सारे बोन और जॉइंट और कर्टिलेज से बना है हमारा पूरा स्केलेटन। यू कुड फील द बैंड मैनी ऑफ देम एंड ड्रॉ द नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। वी हैव लर्न अबाउट द बोन इन अवर बॉडी एंड जॉइंट इन हेल्प ऑफ द इन डिफरेंस वे बट मेक मूव्स द डू लेट्स फाइंड आउट मेक फिस्ट ऑफ द हार्ड बैंड your arm elbow touch your shoulder and do you see the change upper arm touch in with the hard। देखो यहाँ पे देख रहा है, अब जो तुम लोगों ने अभी तक हमने बोन के बारे में पढ़ा, अब हम मसल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर देखो, तुम लोग एक बार सीधा करोगे उल्टा करोगे कुछ फूला हुआ दिखेगा, दिस पार्ट जो हमारा स्वॉलन पार्ट है उस पार्ट को हम मसल कहेंगे। ऑब्जर्व द स्वॉलन रीजन इज अपर आर्म, इट कॉल्ड मसल्स। दिस मसल्स बर्ज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो एकदम संकुचित हो जाते हैं इसके लिए वो बज हो जाते हैं। एंड बिकम अ स्मॉलर इन लेंथ, नाउ बिकम योर आर्म बैक टू नॉर्मल पोजिशन, हैपन टू मसल्स, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट मसल्स इन अ लेग एंड वॉक ऑन अ रन। अब तुम लोग कभी भी कहीं लेग में देखोगे तो वहां भी ऐसा होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाहर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, इसकी वजह से हमारा हाथ है वो बोन के साथ मूव होता है। तो मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द बॉडी मूवमेंट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दैट मसल्स बिकम अ शॉर्टर, जो हमारे मसल्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं, स्टिफर एंड थिकर। स्टिफर मीन्स के ज्यादा भरे हुए हो जाते हैं। अगर तुम लोग एक बलून लो, बलून सीधा होगा और उसे दबाओगे तो क्या, पहले एक बलून को सीधा करोगे तो उसमें क्या होगा, वो बलून है वो लंबा हो जाएगा और उसके अंदर जो हवा है वो सारी फैल जाएगी। जैसे ही वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वो सारी की सारी स्टिफ हो जाएगी एक साइड और सब कुछ हो जाएगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द मसल बिकम अ शॉर्टर स्ट्रिंग्स एंड थिकर, इट इज पुल द बोन, बोन को वो खींचेगा। मसल वर्क इन अ पेन व्हेन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बोन इज पुल्ड इन डायरेक्शन, द अदर मसल इज अ पेयर ऑफ रिलैक्सेशन टू मूव द बोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट पुल द बोन टूवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजिशन, व्हाइल द फर्स्ट रिलीज द मसल कैन बी पुल कैन नॉट बी पुश एंड टू मसल्स इज टू वर्क टूगेदर टू मूव बोन्स। जो हमारे बोन्स है वो दो मसल से खुलते हैं, जो एक इसे खींचता है और वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एंड मसल्स आर बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, हमारे लिए मसल्स जरूरी है और रिक्वायर्ड मूवमेंट। हाउ डू अदर एनिमल मूव, डू ऑल एनिमल हैव अ बोन्स व्हिच इज वी अर्थ वॉर्म। अब हमारे सारे के सारे एनिमल्स है उसमें क्या बोन होता है, नहीं, कभी कभी कोई कोई चीज में सिर्फ कैलिकेट्स होते हैं और कुछ अलग अलग चीज होती है। स्नेल लेट अस स्टडी अ मैनर ऑफ मूवमेंट दैट गेन्ड इन सम गेट ऑफ एनिमल अर्थवॉर्म, पहले तो अर्थवॉर्म के बारे में जाएंगे। ऑब्जर्व द अर्थवॉर्म मूविंग सोइल इन अ गार्डन, जनरली लिफ्ट अ प्लेस एंड पीसेस ब्लॉटिंग पेपर एंड ऑब्जर्व मूवमेंट, देन प्लेस इज स्मूथ ग्लास प्लेट एंड एनी स्लीपर सर्फेस एंड ऑब्जर्व इट मूवमेंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेपर। इन दिस अबाउट टू सर्फेस डू यू फाइंड द अर्थवॉर्म इन अ एबल टू मूव सीरियसली इजिली, अब तुम लोग करोगे तो इजी होगा। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज अ मेड अप ऑफ रिंग जॉइंट एंड एंड, जो हमारे अर्थवॉर्म है वो पूरा रिंग जॉइंट है उससे बना हुआ है। रिंग जॉइंट क्या करता है, वो पूरा का पूरा उसे मुड़ने में मदद करता है। द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव अ बोन, उसमें बोन नहीं है, इट हैज मसल्स व्हिच हेल्प द एक्सटेंड एंड शॉर्टर द बॉडी।
क्या करेंगे, मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटेंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटेंड होंगे, उससे बाद से बॉडी की मूवमेंट होगी। ड्यूरिंग द अर्थ वर्म फर्स्ट एग्जिस्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन ऑफ फिक्स ऑफ द ग्राउंड, जो हमारा रेयर पोर्शन है उनका छोटा पीछे वाला हिस्सा वो हमेशा ग्राउंड के पास रखा जाता है, एंड रिलीज द रियल एंड ऑफ द शॉर्टर बॉडी एंड पुल्स टू द रेयर एंड ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस रिपीटिंग द सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अर्थ वॉर्म कैन बी मूव थ्रू द सॉइल, अर्थ के जो हमारे अर्थ वॉर्म है उसके अंदर बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होते हैं, और मसल्स क्या करते हैं, जो उसकी बॉडी है रेयर बॉडी उसको वहां रखते हैं और वहां से वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, उनके साथ वो उनकी मूवमेंट आती है और वो मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। द अर्थ वॉर्म कैन बी मूव थ्रू द सॉइल इट बॉडी सीक्रेटली स्लीप स्लिमी एंड द सब्सटेंस इज हेल्प टू मूवमेंट, अब जो उसके ऊपर एक स्लिमी टाइप का एक सीक्रेट्स होता है, जो हमारे जैसे कि कोई चिकना पदार्थ है वो स्लिमीज कहते हैं, वो हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में। हाउ डट इज फिक्स पार्ट ऑफ इज बॉडी टू ग्राउंड, अब वो हमारे बॉडी के बाउंड अंडर द बॉडी इट इज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आउट द ब्रिस्टल्स ब्रिस्टल्स कनेक्ट विद द मसल्स, जो ब्रिस्टल्स है वो कनेक्ट विद द मसल करते हैं, एंड देन ब्रिस्टल्स हैव टू गुड ग्रिप टू द ग्राउंड, अब उसके ऊपर स्लिमी जैसा है तो वो ग्राउंड को ग्रिप कैसे करते हैं, उसके अंदर ब्रिस्टल्स है, ब्रिस्टल्स है हेल्प करते हैं उसे ग्राउंड से करने में। द अर्थ वो एक्चुअली ईट्स वेर वाई थ्रू द सॉयल एंड दैट इज बॉडी इज थ्रू एंड अंडर undigested part of material and it is this activity of earthworm make its soil more useful of the plant, जो हमारी soil है वो moving करती है इन soil में और उसके अंदर soil को अंदर जो air है वो मिलती है, तो इस इट्स वेरी यूजफुल फॉर द सॉइल। अब आएंगे स्नेल के ऊपर, ऑब्जर्व द स्मेल इन गार्डन एंड फील्ड, हैव यू एवर राउंडेड स्ट्रक्चर इन द ओके, तो आज के हम एक काम करते हैं, स्नेल हम बाद में लेक्चर में लेंगे, आपको आज क्या करना है मसल के बारे में लिखना है होमवर्क में, एंड द गेंट एनिमल ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की जो हमारी सिचुएशन है सारी वो लिखनी है, बस इतना लिख के एक्टिविटी 5 पूरी 2 बार लिखनी है आपकी होमवर्क में। ओके हैव अ नाइस डे, गुड बाय।